नमस्कार भैया, आज हम ये वीडियो में ऑल डिजिटल माइक विदाउट SMD रिप्लेस करवे बारे हैं ये वीडियो में। तो भैया रहो, देखत रहो वीडियो भैया रहो, लाइक ज़रूर करियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा नाम है रामचरण और आप देखत हो आपको अपना यूट्यूब चैनल देहाती रिपेयरिंग। तो भैया ये वीडियो में हम देखो बिना SMD मशीन के और जो डिजिटल माइक रिप्लेस करें इमें, तो बने रहो वीडियो में। देखो अपन को एक आयरन की ज़रूरत पड़े, तो आयरन और पेस्ट और रंगा बस और माइक, बस इतनी चीज़ें चाहें और अपना माइक आसानी से चेंज हो जाए। तो बने रहो वीडियो में। देखो थोड़ा सा पेस्ट लगा लो। देखो अगर आपकी जो बोर्ड होते हैं जो उनमें माइक लगू है वे अगर जगह है आयरन लगा भी तो आप बदल सकते आसानी से, और अगर नहीं है तो आपको मशीन को सहारा लेने हैं, मशीन की मदद से भैया निकालने हैं। तो हम देखो कैसे निकाल रहे हैं स्टैंड में फंसा के। तो देखो अपनी जो बोर्ड है जोन छोटो बारो जोन में भैया माइक लगो है, तो जो हमने देखो स्टैंड में लगा ला है और आपको दिखा रहे हैं इको माइक है। निकालें और ई पे भैया नौ माइक चढ़ाएं लगाएं। तो बने रहो वीडियो में। देखो हमने पेस्ट पहले ही लगा ला तो होते हैं। तो देखो जाए अपनी 60 वाट की आयरन और यही आयरन से भैया हम देखो निकाल लें और यही से भैया डालें। तो देखो माइक के बगल में आसानी से अपन हो रहे आयरन से, आयरन को लगाओ और आसानी से निकल जाए जो माइक। देखो तुरंत निकल जाते है, बिल्कुल आसान तरीका रहता है भैया। आप कह सकते जो न्यू ट्रक है या पुरानी ट्रक है कछु भी समझ सकते हो। तो अपना माइक निकल गया है बोर्ड में से और यही बोर्ड पे भैया हम नौ माइक लगा के आपको दिखा रहे हैं। और भैया जितने हमने आयरन लगाई थी उतना ही आयरन फिर से लगाएं और अपना माइक भी आसानी से डल जाए। इमें कोनो ट्रैक मेरेक नहीं है भैया। देखो रंग आया है और बोर्ड आया है, तो बोर्ड गर्म हुई है तो पूरा बोर्ड गर्म हो जाए भैया। अच्छी आयरन हो गए तगड़ी तो उसे अपनो पूरा बोर्ड गरम हो जाते उतनी जगह को, तो आसानी से अपना माइक गरम हो के और रंग आया वो तो पिल गई भैया, तो गरम हुई है तो पानी बने रंगा और आसानी से छोड़ दे। तो देखो हम नौ माइक आपको लगा के दिखा रहे हैं। नए माइक के जो 4 पॉइंट हैं उनमें थोड़ा सा पेस्ट लगा के और उन्हें थोड़ा सा सोल्ड करने ज़रूरी है। तो माइक के 4 ही पॉइंट भैया हम पेस्ट लगा के और सोल्ड कर दे रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि जो ही माइक भैया देखो नौ माइक है जो आपको नौ माइक हम डाल के दिखा रहे हैं। तो बने रहो वीडियो में भैया, वीडियो छोड़ के नहीं भागियो और वीडियो अभी तक लाइक नहीं करो हो तो प्लीज़ भैया लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करो हो तो सब्सक्राइब करके और घंटी को ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर कर लियो। नेक्स्ट वीडियो भैया और कमाल को हो बेवारो है, तो इसे भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और घंटी को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लियो। उसमें भी हम ऐसे विदाउट SMD वालों काम करवे बारे हैं, तो उसमें भी नए नए ट्रैक आपको दिखा उतरे भैया इस चैनल पे और वीडियो में काफ़ी मज़ा आए भैया अपन को आगे से। तो भैया सब्सक्राइब कर लियो चैनल को। तो देखो अपना माइक होगा सोल्ड 4 ही पॉइंट। अब भैया हम बिना SMD के देखो ये पर लगा भी रहे हैं, जोन ट्रैक से अपन ने भैया खींचो है माइक वही ट्रैक को फिर से अप्लाई करने हैं, फिर से उतई आयरन लगाने हैं और अपना माइक आसानी से लग जाए है। तो देखते रहो वीडियो। देखो जो रखो हमने फिक्स जगह पे माइक, और फिक्स जगह पे रखने के बाद अपन को दिखा रहे हैं देखो आयरन लगा के कि बिल्कुल आसान तरीका रहता है भैया माइक लगावे को और निकालवे को। तो देखो जा लगाई हमने आयरन कई
और देखो जो बैठगा अपनो अपनी जगह पे फिक्स माइक, तो अपनो माइक बिल्कुल प्रॉपर जगह पे बैठ गाओ और फिक्स लग गाओ, अच्छो लग गाओ, बढ़िया मशीन से सही लग गाओ भैया। ना अपन को हीटिंग टैप चाहने, ना भैया अपन को सिल्वर टैप चाहने, कछु नहीं चाहने भैया, अपनो माइक प्रॉपर जगह पे लग गाओ। तो हम आपको भैया स्टैंड में से खींच के और दिखा रहे हैं, बिल्कुल भैया क्लियर दिखाएं। देखो अपनो जो देखो बिल्कुल सही जगह पर लग गया है, एकदम क्लियर फिक्स जगह पर लग गया है। और जो रंगा है जो 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 हटा दे रहे हैं भैया, तो वही आयरन से भैया जो रंगा हटा दो इतने से ज़्यादा लग गया, तो इसी वजह से भैया जो सही नहीं बैठे बोर्ड, तो हमने रंगा हटा दो है। और देख सका तो अपन के बिल्कुल क्लियर माइक लग गया है सही जगह पर, और ना भैया अपन को हीटिंग टैप की ज़रूरत पड़ी, ना कोनो टैप की ज़रूरत पड़ी। तो देख सकते हो तो कैसा लगो वीडियो, वीडियो को लाइक ज़रूर करियो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कर लियो। तो भैया हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे मोबाइल के संगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करियो, कमेंट करियो भैया।